हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप लवर सेजल एंड वेलकम बैक टू डे सेवन ऑफ नवरंग रात्रि आज का कलर है ग्रीन सो गाइज आई वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स एंड थाट्स थ्रू मेकअप सो इसलिए आज का टॉपिक मैंने लिया था द पावर ऑफ मेकअप मैं मेकअप के बारे में लेटर हाफ में बात करूंगी सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट शेड या फिर प्रोडक्ट नेम जानना हो तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो ओके गाइज सो आईल स्टार्ट टू वट एवर आई वॉन्टेड टू शेयर सो इट्स जस्ट माई थाट्स एंड ओपिनियंस एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू हॉट एनी बडी सेंटिमेंट्स और इमोशंस सो गाइज आई थिंक एंड आई स्ट्रांगली फील दैट एवरी गर्ल इज़ ब्यूटिफुल विथ मेकअप और विदाउट मेकअप सो बींग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म आई एम जज्ड एवरी डे गाइज ऑलमोस्ट हर मिनट में जज होती हूँ कितने लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि आप मेकअप के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो एकदम गंदी लगती हो और कितने लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप मेकअप के साथ भी बहुत गंदी लगती हो सो यू नो हर एक सेकंड पर हर एक मिनट पर हम एक दूसरे को जज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियंस एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं सो so, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी जब भी आप सामने वाले को जज करते हो तो वो उसके बारे में नहीं बताता है इनफैक्ट वो आपके बारे में बताता है कि आपकी कैसे थॉट प्रोसेस है मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्यूटीफुल करके कोई वर्ड ही नहीं होता है या फिर कोई चीज़ ही नहीं होता है दुनिया में और सही बात है रोजस कुछ कुछ लोगों को पसंद होता है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और कुछ कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है सो so, वो इंग्लिश में फेमस प्रोवर्ब है ना ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ़ बीहोल्डर सही कहा है किसी ने सुंदरता तो देखने वालों के नजरिए में होता है सो so, अगर आप किसी भी चीज़ को या फिर इंसान को ही अच्छे से या अपने दिल से देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और अगर ना भी पसंद आए तो जाने दो उसे जीने दो और आप भी जियो क्योंकि जब भी आप दूसरों को जज करते हो ना आप कभी भी उस इंसान को प्यार नहीं कर सकते हो सो लेट देम लिव एंड यू ऑल्सो लिव सो सैस ही एक छोटा सा थाट था मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी और मैंने आज का दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि डे सेवन के दिन हम कालरात्रि रात्रि माँ काली का पूजा करते हैं देवी कालरात्री इज कंसिडर्ड एज दुर्गा इज नोन so yes मैं चाहती थी कि अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो उसे जाने देते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं और प्यार से जीते हैं। सो स्विगेस गाइस अगर किसी को मेकअप करना पसंद है सो लेट देम डू और अगर किसी को मेकअप करना नहीं पसंद है सो लेट देम बी दैट वे क्यों ना हम हर इंसान को वैसे ही पसंद करें या वैसे ही चाहें जैसे वो रहना चाहते हो सो यस गाइज चलो अब मेकअप की बात कर लेते हैं वरना आप आपसे बोलोगे कि आज मैंने ज़्यादा ही भाषण दे दिया है सो so मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन वाइल्ड इंटीग्रिटी पैलेट सो सबसे पहले मैंने ऑरेंज शेड लेकर अपने क्रीज़ में अप्लाई किया है उसके बाद मैंने वो ग्रीन शेड लेकर क्रीज़ के नीचे अप्लाई किया है एंड ऑल्सो इन माई लोअर लैश लाइन गाइज़ फिर वो शिमो शेड लेकर मैंने ऑल ओवर लेड अप्लाई किया है वेरी ब्यूटिफुल शेड गाइज़ और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका सो so, आप देखो कितना ब्यूटीफुली अप्लाई भी हो जा रहा है नेक्स्ट मैं ब्रश लेकर अपने क्रीज़ लाइन पर उसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस मिस क्लियर पोल इन गोल्डन शेड आई लाइनर और यू you नो know, क्रीज़ लाइन पर ही इसे ड्रॉ कर लूँगी लाइक टू गिव अ कट क्रीज टाइप फीलिंग बट नॉट एग्जैक्टली कट क्रीज सेम आई लाइनों को मैं इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई कर लूँगी नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई आई लाइनर दिस इज़ लाइक मे एब्सोलूट शाइन लाइन आई लाइनर ये मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा आईलाइनर है गैस जेट ब्लैक और फुल्ली मैट सेट करता है और मैं एक ब्यूटीफुल सा विंग ड्रॉ करने वाली हूँ सो so, आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा दिस इज फेसिस कैनेडा मैग्नेटाइज ड्रोमैटिक वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा सो मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी फॉल्स आई लैशेज आई लव पैक एम सेवेंटी सिक्स लैशेज गैस और मैं पैक लैश फिक्सर से ही उसे अप्लाई कर लेती हूँ दैट इज़ पैक लैश ग्लू बहुत ही अच्छा ग्लू है नेक्स्ट अब मैं करने वाली हूँ कॉन्ट्रोलिंग आई एम गोइंग टू यूज इस मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट सारे लिंक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो और दो शेड मिक्स करके मैं अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लूँगी आज का आई लुक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ था बट सिर्फ मैंने वन साइड ही किया था तो मुझे सारे फोटो सिर्फ वन साइड से ही लेने पड़े अदरवाइज दूसरा साइड दिख जाता तो सब बोलते ये क्या पागलपंथी चालू है सो येस गेस लेकिन एक साइड से भी काफ़ी अच्छे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स आए हैं नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश दिस इज फ्रॉम एले कलर्स रेड रूश ब्लश इन द शेड चिल बहुत ही अच्छा ब्लशर गाइज है इसमें ऑलरेडी आपको शिमर मिल जाता है सो तो आपको अलग से हाईलाइटर की जरूरत नहीं है बट डेफिनेटली हम तो लगाएंगे दिस इज मे बे मास्टर क्रोम हाईलाइटर आज इसे लाते लाते ये नीचे गिर गया था और यू you नो know, एकदम अलग से हो गया था वो लेकिन फिर मैंने टिश्यू पेपर लेकर उसे प्रेस कर लिया है तो थैंक गॉड थोड़ा सा बच गया है वो सो so, मैं अपने हाइएस्ट पॉइंट ऑफ फेस ओनली वन साइड पर अप्लाई करूंगी एंड या इट लुक्स सो ब्यूटिफुल नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ पर्पल बेंच ईटिंग कंपेनियन थ्री लिपस्टिक

बेल बटन को क्लिक कर दो ताकि आप सबको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए एंड गाइस मैं बहुत जल्दी फूड चैलेंजेस भी लाने वाली हूँ बिकॉज आई नो आप सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इवन आई के नॉट वेट कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स मेरे सारे हो जाए और मैं फूड चैलेंजेस करूँ और थोड़ा सा बाहर भी घूमने जाऊँ वरना मेकअप की वजह से तो सिर्फ घर में ही रह जा रही हूँ आजकल वीडियो बनाते बनाते सो बनातेस गाइज दैट्स एड अबाउट टोडे वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू ऑल सो मच बाय